हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का गणित का वीकली टेस्ट जो आप लोगों को 28 तारीख यानी कि आज जो होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। देखिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप लोग पहले पढ़ लो, ठीक है। अगर पढ़ने में अच्छा ना लगे तो फिर अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं हमारे वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं है तो आप एग्ज़ाम देकर जब आओगे तो फिर अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो हमें यह है कि हम आप लोगों के लिए जो तैयारी करा रहे हैं ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीकली टेस्ट में ही काम आएगा, फाइनल एग्ज़ाम में भी काम आएगा। सवाल देख लीजिए, सवाल का लेवल देख लीजिए, सवाल का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई इसको कह नहीं सकता कि ये फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो सवाल बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसको देखिए, ये वीकली टेस्ट में भी काम आएगा और आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगा। तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, 100 लाइक का टारगेट रखें क्योंकि समय नहीं है, आज ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो 100 लाइक भी कर दीजिएगा आज ही, ठीक है। चलिए देखिए, सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, यानी कि आपको दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ध्यान रखिएगा समरूप है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करें कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो चीज़ें होती है, एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांगसम। तो आपको कह रहा है कि समरूप है, क्षेत्रफल बराबर है, अब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों सर्वांगसम भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह सवाल, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया जाता है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास दिया गया है उसको हम लोगों ने लिखा है कि दो त्रिभुज आप हमारे पास है, एक है ABC और एक है DEF। ये डायग्राम आपको दिया नहीं जाएगा बल्कि आपको वहाँ पर खुद से बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि जो आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखिए आप सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो आपके पास है ABC, ये क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, DEF के, ठीक है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्या देंगे, प्रमाण देंगे, ठीक है। प्रमाण कहाँ से देंगे, तो पहले लिखिए यहाँ पे प्रमाण, यानी अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEF, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, आपको सवाल में ही कह दिया था। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है ना, यहाँ पे लिखिए चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, ठीक है। तो देखिए, जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो इसका क्या होता है, एंगल और इसके जो है समानांतर एंगल जो होते हैं, जो इनके लगे हुए, जो इनके साथ साथ लगे हुए एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे अगर कोण, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो कोण ए कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण सी कोण एफ के बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको लिखना है, इसीलिए कोण ए बराबर कोण डी, ठीक है, कोण बी बराबर कोण ई, और कौन सी बराबर हो जाएगा कौन एफ। इतना आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। देखिए, इसका कहीं पर यूज़ नहीं होगा, ठीक है, ये कहीं पर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये जानकारी है। कौन सी जानकारी है, कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है क्या होता है, एरिया ABC यानी त्रिभुज एरिया ABC बटा एरिया DEF, यानी कि इन दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, समरूप त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मान के चलिए दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, जब ये दोनों त्रिभुज देखो समरूप होगा, तो ये डिटेल अभी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, समझिएगा, इसका हम लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमने क्या लिखा है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, चलिए ये बात जानकारी दे दी। उसके बाद जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो सबसे पहले तो सबका एंगल जो है बराबर होगा, वो मैंने डिटेल में जानकारी में दिया, इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखिएगा, इस लाइन का कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ जानकारी आपको दिया गया है,
ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, एक जानकारी ये भी है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल समरूप, याद रखिएगा दो समरूप त्रिभुज, आप लोग लिख लो ठीक है, कहीं पे रफ में लिख लो, इसको याद कर लेना। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब क्या, ए बी का संगत कौन होगा, डी ई, ए सी का संगत कौन होगा, डी एफ, बी सी का संगत कौन होगा, ई एफ। ठीक है, तो संगत भुजाओं के, हमने क्या लिखा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं यानी कि बी सी, ठीक है, बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, ई एफ, और इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। बात समझे, बराबर। उसके बाद है ए बी, उसके बाद है डी ई, सभी का वर्ग कर दिएगा, संगत भुजा का अनुपात लिखना है लेकिन वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, वर्ग के बराबर होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये नियम है, कौन सा नियम है, ये नियम ये है कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है, ये इसका कहना है। ओके चलिए, अब आपको कह क्या रहा है इसी में, चूंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है ना, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, ठीक है, तो लिखिए चूंकि समरूप त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल बराबर है, इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बराबर है, जब, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाए, मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल 100 है, इसका भी क्षेत्रफल 100 है, तो 100 100 कट जाएगा, कटेगा ना, कितना आएगा आंसर, 0 नहीं आता है, 1 आता है, 0 नहीं आता है, 1 आता है, ठीक है। जब ऊपर यहाँ पे 10 हो, यहाँ भी 10 हो, दोनों को काटोगे तो 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है, 1 आता है। तो जब क्षेत्रफल बराबर है तो होगा क्या, 1 बराबर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और डी एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, यहाँ तक समझने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं ये बताइए, हम इसको लिख सकते हैं एक एक करके, ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ बराबर 1 लिख सकते हैं, सभी बराबर है, यानी कि इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, सब आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया, बी सी बराबर ई एफ हो ना, बी सी बराबर ई एफ, यानी ये बी सी और ई एफ के बराबर हो गया, यानी ये जो आपका है बी सी किसके बराबर हो गया, ई एफ के बराबर हो गया। इसी प्रकार से जब सबको बारी बारी से करोगे तो सब क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, एक बार इसको करो फिर एक बार इसको करो, तो इसी प्रकार यहाँ पे लिख ले, सबको करना ज़रूरी नहीं है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए बी बराबर डी और ए सी बराबर डी एफ होगा, है ना, इसी प्रकार होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सही कर लिया, हमने क्या देखा कि तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, तो जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो यहाँ पे आपको लिखना है, इसलिए एस एस एस, ठीक है, एक गुणधर्म होता है सर्वांग समता का, साइड 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 तीन भुजा बराबर कर दें, इसलिए एस 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 सर्वांग समता, एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा, त्रिभुज
डी एफ, और यही हम लोग क्या कर दिए हैं, प्रूफ्ड कर दिए हैं, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से, देखिए बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को समझाए हैं। अगर समझ में ना आया हो तो आप इसको वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिए। इतना धीरे धीरे समझाने का कारण यही है कि आपको एक एक लाइन समझ में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और आपको बताते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल जो है हमारा इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्या ही कहना है, ठीक है। ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोग जो फॉर्मूला लगाते हो ना पैथागोरस प्रमेय, उसको सिद्ध करके दिखाना है कि पैथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया है क्योंकि यहाँ पर जिसका समकोण होता है बी समकोण है। कह रहा है कि एक सिद्ध कर दीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी स्क्वायर अन्य दो वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, यानी कि पैथागोरस प्रमेय जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो ये आप फाइनल एग्जाम में जानते हैं एकदम पक्का, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और वीकली टेस्ट तो देखिए अगर यहाँ से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाइएगा, ठीक है। और देख कर क्या जाना है, आप लोग फुल एकदम फाइनल एग्ज़ाम को फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए देखें इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया जाता है उसको लिखा जाता है चूंकि दिया है, आप लोग लिख लो यहाँ पे, ठीक है। चूंकि दिया है, क्या दिया है यहाँ पे देखना है कि ए बी सी जो है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है, जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री है, समकोण है, समकोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री है, ठीक है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, तो पैथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर होगा और बी सी स्क्वायर होगा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद अगर इसमें कोई हम लोग काम करते हैं तो उसको रचना कहते हैं। एक काम कीजिए, रचना में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, रचना में क्या करेंगे, बी डी को, बी डी एक लंब खींचेंगे ए सी पर, बी डी लंब ए सी खींचे, यहाँ से एक बी डी से एक लंब खींचेंगे किस पर, ए सी पर, इसको हम लोग डी नाम देंगे, ठीक है, बी डी, तो इसको हम लोग रचना बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रमाण देंगे, क्या देंगे, प्रमाण, यानी बनाना शुरू करेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ होता है, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, प्रमाण मिलेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, दो त्रिभुज लेंगे, एक लेंगे ए बी सी और ए बी डी, यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज हम लोग लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन ए बी सी, कोण ए बी सी जो है बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी, ठीक है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण कितना है आपका 90 डिग्री है। ध्यान देखिए ए बी सी, ए बी सी कहाँ पर बन रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, ए बी सी यहाँ पे 90 डिग्री था, चलो ठीक है। उसके बाद है ए डी बी, हम लोगों ने जब भी आप लंब खींचते हो ना तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, याद रखिएगा। तो ए डी बी जो बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी 90 बनेगा, तो दो एंगल बराबर हो गया। चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, क्यों, कोण ए ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और कोण ए ये छोटा वाला त्रिभुज में भी है, दोनों में कोण ए पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ, दो त्रिभुज हो गया। अब देखिए
दो त्रिभुज हो जाने से क्या होता है, दो कोण बराबर हो गया, यानी कि ए ए समरूपता से क्या हो गया, ए ए समरूपता से, इसीलिए ए ए समरूपता से ठीक है क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है तो क्या होता है, इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी बाय ए डी बराबर, इसको लिख सकते हैं ए सी बाय ए बी, ठीक है। इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या हो जाएगा, इनका जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख लेंगे, फिगर आपके पास होगा, फिगर से देख लीजिएगा, ए बी बाय क्या लिखेंगे, ए डी, ठीक है, ए बी बाय ए डी लिखेंगे, उसके बाद ए सी बाय क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। बात समझ में आई? तो एक बार इसका एक भुजा लेना, उसका एक भुजा लेना, इस तरह से लेकर के इसको बराबर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका ए बी इंटू गुना करोगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और ए सी इंटू ए डी, ठीक है। ये आ गया, इसको समीकरण एक मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, समीकरण एक मान लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से हम लोगों ने एक बार ये बड़ा त्रिभुज लेकर के छोटे वाले त्रिभुज को समरूप कर लिया, उसी प्रकार से एक बार जब बड़ा त्रिभुज लेंगे और ये नीचे वाले त्रिभुज को लेंगे तो ये भी समरूप होगा, सेम टू सेम, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसी प्रकार, टोटल आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख लेना इसी प्रकार क्या होने वाला है। इसी प्रकार से त्रिभुज जो हमारे पास दो त्रिभुज होंगे, एक बड़ा वाला ए बी सी और उसके ठीक नीचे वाला जो त्रिभुज है आपका बी डी सी, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे और इनकी भी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है, फिगर को ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से जैसे ही आप लिखोगे तो इनका अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर होने के बाद इसको क्रॉस में गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, इसको समीकरण दो मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो समीकरण निकल कर आ गया है, हम करेंगे क्या, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ेंगे, तो चलिए बताते हैं आपको जोड़कर। यहाँ पे आप लिखना है समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जब हम समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं कि राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड जोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को एक ही साइड जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर दूसरे तरफ होगा आपका ए सी इंटू ए डी, अब प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे फिर ए सी, है ना, फिर ए सी इंटू सी डी, ठीक है, बात समझ में आया, यही काम हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ओके, ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, दोनों को कॉमन ले लो, ए सी हो गया। अब ये कॉमन लेने के बाद इसको ब्रैकेट में घेरो, बच गया कौन आपका ए डी प्लस सी डी, है ना, ए डी और क्या बचा, सी डी बचा, इसको ब्रैकेट में कर लो, इतना कर लिए। इतना करने के बाद आपको हम बता दें कि हमने एक फ़ोटो बनाया था वहाँ पे, आप लोगों को पता होगा इस तरह से एक फ़ोटो हमने बनाया है वहाँ पे त्रिभुज का, और मैंने क्या किया था, इसका एक नाम दिया था ए बी सी और एक लंब खींचा था जिसका नाम था डी। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ए डी और सी डी, ए डी और सी डी, इन दोनों को मिलाने से कौन सी भुजा बन रही है, तो बड़ा वाला ए सी बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी, और इन दोनों को जब जोड़ दोगे आपस में तो फिर से ए सी बन जाएगा, तो ए सी इंटू ए सी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलिए अब ये क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो इसको हम लोग एक बार इसको सीधा करके लिख सकते हैं, इसीलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये आपका प्रूफ्ड हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इतनी मेहनत लगती है बनाने के लिए।
वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।